हेलो एवरीवन, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नए बैच के बारे में, जो बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कौन सा बच्चा क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन सा बच्चा क्लास 9 के लिए अप्लाई कर सकता है, हमारी क्लासेस कैसे चलती हैं, हमारा रिजल्ट कितना रहा है पिछले साल का, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं साथ एकेडमी अंबाला कैंट से। हमारी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे चलती हैं। हमारा क्लासरूम फुली डिजिटल है। जो क्लास में पढ़ाया जाता है ऑफलाइन बच्चों को, वो साथ में ऑनलाइन भी देखा जा सकता है, यानी कि हमारा पूरा क्लासरूम लाइव चलता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में क्लास 6th और 9th में एडमिशन होता है। तो क्लास 6th में कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है? जिस बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच में हुआ हो, यानी कि जो बच्चा 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच में बोर्न है, वो बच्चा क्लास 6th के लिए अप्लाई कर सकता है। ये मैटर नहीं करता है कि वो क्लास 4th में है या 5th में है या 6th में है। भले ही बच्चा क्लास 4th में है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, वो क्लास 5th में है तब भी अप्लाई कर सकता है, क्लास 6th में है तब भी अप्लाई कर सकता है। मुद्दा है डेट ऑफ बर्थ। अगर इस स्लॉट में आपका बच्चा है तो वो क्लास 6th के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का फॉर्म भर सकता है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के जो फॉर्म है वो अगस्त और सेप्टेम्बर मंथ में आते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी बच्चों की प्रिपरेशन जो है वो सेप्टेम्बर से ही स्टार्ट करवाते हैं। तो जब बच्चा अगस्त या सितंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा तो उसका सिलेबस ही पूरा नहीं होता है। सिलेबस बहुत वास्ट है यहाँ का, जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में पूछा जाता है। एक 5वीं क्लास के बच्चे से 8-9 स्टैंडर्ड तक का मैथमेटिक्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है जो उसके लिए बिल्कुल नहीं होती है। तो भाई, अगर आपको बच्चे की प्रिपरेशन करवानी है तो आप अप्रैल से ही स्टार्ट करिए। हमारा जो बैच है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका बच्चा इस स्लॉट में है तो वो क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 2010 से 2012 के बीच में है तो वो क्लास 9th के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो क्लास 7th में हो, 8th में हो या फिर 9th में हो। अगर आपके बच्चे का एज 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच का है तो वो सैनिक और मिलिट्री स्कूल के लिए क्लास 9th के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये डेट ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे की क्लास 5th में जाके तैयारी स्टार्ट करवाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलेबस काफ़ी वास्ट है और ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, तो बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है सिलेक्शन के लिए। तो इसलिए मैं आपको ये जानकारी और दे दूं कि साथ अकेडमी, जो बच्चे इस स्लॉट में नहीं है, साथ अकेडमी उनके लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहा है 4th क्लास के बच्चों के लिए, जिसको हम फाउंडेशन बैच कह रहे हैं, जिसमें हम बच्चे का फाउंडेशन तैयार कर देंगे ताकि वो आगे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर पाए और उसका पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए और अच्छा स्कोर आ जाए। तो ये बैच स्पेशल होगा क्लास 4th के बच्चों के लिए जो इस डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, जो मैंने आपको पीछे बताई है। ठीक है, तो आप हमारे पास, अगर आपका बच्चा क्लास 4th में है तो भेज सकते हैं, क्लास 5th में है, 6th में, 7th में, 8th में, यानी कि 4th से स्टार्ट होकर 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे जो है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हम रिजल्ट की अगर बात करें तो साथ एकेडमी का रिजल्ट के लिए कोई तोड़ नहीं है। आप दूर दूर तक नजर दौड़ाएंगे, अंबाला में आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाइए, जाकर आप रिजल्ट पता करिए। जो स्कोर यहां पे आपको दिखाई दे रहा है वो स्कोर आपको अंबाला में साथ के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, इस चीज का मैं दावा करता हूं, क्योंकि हमारी जो क्लासेज है वो पूरी उसी पैटर्न पर चलाई जाती है जिस पैटर्न पर आपका एग्जाम आता है। हम इवनिंग में 4 to 7 क्लासेस लेते हैं, जैसे जो स्कूल जब ओपन होते हैं तो इवनिंग में 4 to 7 की क्लास चलती हैं, लेकिन छुट्टियों के दौरान, चाहे वो जून की छुट्टियां हैं चाहे वो दिसंबर की छुट्टियां हैं, क्लास जो है सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक चलती हैं, यानी कि पूरे 7 घंटे तक बच्चे को पढ़ाया जाता है छुट्टियों के टाइम पे। तो ये हमारा रिजल्ट है, 60 बच्चों ने हमारे यहाँ से पेपर दिया था जिसमें से 57 का एग्जाम क्वालिफाइड है। ये सारे के सारे हैं, पिक्चर काउंट कर लीजिए कितनी लगी हुई है, 57 से ज्यादा ही मिलेंगी, क्योंकि कुछ बच्चे गुरुकुल में भी सिलेक्ट हुए हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा का भी एग्जाम होता है। और एक बच्चा जो हमारा स्टार रहा है अब की बार, इसने क्लास 9th के लिए एंट्रेंस दिया था, वैभव मिश्रा ने, इनके मैथ्स में 200 out of 200 और रीजनिंग में 50 out of 50 स्कोर इनका रहा है, और ये उत्तराखंड का जो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल है वहां पे 9th के लिए जाएंगे। तो अगर हम बात करें स्कोर के मामले में, रिजल्ट के मामले में, मेहनत के मामले में, तो साथ अकेडमी सबसे ऊपर रहेगा।
रिजल्ट हर बार सबसे ऊपर आएगा। तो अगर आप अपने बच्चे की तैयारी सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के लिए करवाना चाहते हैं, भले ही ऑफलाइन, अगर आप अंबाला से बिलोंग करते हैं तो आप ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं, जनता स्वीट्स के पास एकेडमी है। और अगर आप अंबाला से बाहर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमसे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारा जो क्लासरूम है, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं अभी, इसी तरह क्लासरूम हमारा चलता है। क्लासरूम के बैक एंड पे कैमरा लगा होता है जिससे आपको पूरी क्लास लाइव दिखाई देती है, जिसमें आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। जो बुक मटेरियल है वो पूरा का पूरा आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी डिटेल मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोचिंग चलेगा। 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए, क्लास 6th और 9th दोनों के लिए। अगर आपका बच्चा क्लास 4th में है तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकता है। क्लास की जो टाइमिंग रहेगी इवनिंग में रहेगी 4 to 7, 3 घंटे का बैच हमारा होता है। पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, चाहे वो बुक्स है, नोट्स है, वीकली टेस्ट है, प्रैक्टिस पेपर है, पूरा मटेरियल आपको साथ एकेडमी की तरफ से दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेंगे तो आपको ये मटेरियल कोरियर कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल जैसे शानदार स्कूल में पढ़े तो साथ एकेडमी के साथ आ जाइए, हम करवाएंगे आपकी जमकर तैयारी और आप पहले अटेम्प्ट में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल को क्वालिफाई करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि बाद में लोग ये ना कह पाएं कि हमें पता नहीं था, हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये थी, वो अप्लाई कर सकता था, हमें नॉलेज नहीं थी। तो इस वीडियो को जितना हो सके, आप फेसबुक पे हैं, आप व्हाट्सएप पे हैं, आप टेलीग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, कहीं आपका अकाउंट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। डेमो क्लासेस लगाइए, साथ एकेडमी की डेमो क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप क्लासेस देखिए, आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप अपने बच्चे को हमारे साथ कंटिन्यू करवाइए। जानना चाहते हैं फीस कितनी है, कैसे क्लासेज ज्वाइन होंगी, तो मोबाइल नंबर आपके सामने है, आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप साथ एकेडमी के साथ जुड़ते हैं तो आपके बच्चे का जो फाउंडेशन है वो इस तरह से तैयार हम कर देंगे कि फ्यूचर में वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देगा तो कहीं पर उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं लाइव क्लास में, 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट है, तो लेट मत करिए, वेट मत करिए कि जब फॉर्म निकलेंगे तब तैयारी करेंगे, फॉर्म निकलने के बाद तो 2 या 3 महीने ही बचते हैं। जब बैच अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल हमारा जो साथ अकेडमी का है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।